राज्यपाल उगे नेता सुब्रमण्यम स्वामी और मोदी सरकार साबका मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह तो बाद उत्तर प्रदेश भाजपा वर्किंग कमेटी के मैंबर राम इकबाल सिंह ने भी सवाल खड़े किए ने। इकबाल सिंह ने कहा कि जेकर केंद्र ने नवे खेतीबाड़ी कानून लागू करने तो पहला किसानों नाल सलाह की होंगी तो कोई अंदोलन ना होना सी। सिंघू बार्डर तो दिल्ली पुलिस वालों चुके सिख नौजवान रणजीत सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस वालों बेहद तशद ढाया गया और केसों की बेअदबी भी की गई। रणजीत सिंह ने दसा कि उसने हौसला नहीं छड़िया अपने जोश के जज्बे से काबू रखा। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस वालों जेल में भी अन्ना तशद किया गया। वह पहला भी किसान अंदोलन में योगदान पा गए थे। उन्होंने कहा कि किसान संघर्ष चढ़ती कला वाल जा रहा है और हर की लड़ाई जिनी मर्जी लंबी चले वो किसानों के नाल खड़े ने। दस दिए कि रणजीत सिंह बीते दिन तिहाड़ जेल चो रिहा हुए तो सिख संगत ने फलों की बरखा के नारे उन्होंने स्वागत किया। इस मगरों वीरवार को दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंद सिरसा के नाल अकाल पुरख का शुकराना करने लिए श्री हरिमंदर साहब पुजे। इस मौके मनजिंद सिरसा ने कहा कि इस गल तो मुनकर नहीं होया जा सकता कि किसानी की लड़ाई दस्तार की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि अपने हकों की आवाज़ उठाने वाले किसानों के सिखों को देशद्रोही दसया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपने कानूनी माहिर की टीम के नाल रणजीत सिंह समेत होर गिरफ्तार किए गए अनेक सिख नौजवानों के केसों की पैरवाई की है। गुरु रामदास जी के गुरु तेग बहादुर साहब जी की कृपा सदका उन्होंने जमानतवान करवा के जेल में बाहर लिया है। पाकिस्तान फौज के मुखी जनरल कमर जावेद बाजवा ने वीरवार को कहा कि यह भारत के पाकिस्तान को अतीत भुलण से अगे वधन का समा है। उन्होंने कहा कि दोवे गवांढ़ी मुल्कों के शांति रखने मध्य एशिया के विकास की संभावनाओं खोलने की मदद मिलेगी। जनरल बाजवा ने इस्लामाबाद सुरक्षा वार्ता को संबोधन करते हुए कहा कि विवादों के कारण खेतरी शांति और विकास की संभावनाएं अणसुलझे मुद्दों के कारण हमेशा बनी रही हैं। उन्होंने कहा मेरा मानना है कि यह समय अतीत को भुलन से अगे वधदा है। जिक्र योग है कि भारत ने पिछले महीने में कहा कि वह पाकिस्तान के नाल अतवाद बैर और हिंसा मुक्त माहौल के नाल एक साथ गवांढ़ी संबंधों की उम्मीद करता है। भारत ने कहा कि इसकी जिम्मेवारी पाकिस्तान से है वह अतवाद से दुश्मन मुक्त माहौल तैयार करे। जनरल बाजवा ने कहा कि साढ़े गवांढ़ी को भी विशेष रूप से कश्मीर एक अनुकूल वातावरण बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इन सब तो अहम मुद्दा कश्मीर का है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि शांतिपूर्ण तरीके के माध्यम के नाल कश्मीर विवाद के हल बिना इस खेत्र में शांति की कोई पहल सफल नहीं हो सकती है। जनरल बाजवा के बयान तो एक दिन पहला प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी यही बयान दिता सी। तृणमूल कांग्रेस की प्रधान ममता बैनर्जी ने वीरवार को कहा कि वह पश्चिमी बंगाल की विधानसभा चोणों में जितने तो बाद दिल्ली में परिवर्तन लाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी पूरी ताकत नाल पश्चिमी बंगाल में निशाना बना रही है क्योंकि उसनों पता है कि सूबे में चोण जितने तो तुरंत बाद वह केंद्र में जाएगी। उन्होंने भाजपा से उन्होंने परिवर्तन नारे में चोरी कर इसमें असल परिवर्तन के नाम पेश करने का दोष लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को डर है कि जे असी पश्चिमी बंगाल में जितते हाँ तो असी दिल्ली में एक बदल लेके आवेंगे और इसलिए सूबे ने पूरी ताकत नाल निशाना बना रहे हैं। नैशनल डेस्क अमरीका के नवे रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इस हफ्ते भारत के दौरे पर आना है। ऑस्टिन 19 तो 21 मार्च को भारत दौरे के दौरान भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल के साथ मुलाकात करेंगे। ऑस्टिन पहले जहे अमरीकी विदेश मंत्री हैं जिन्हें अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत में शामिल किया। ऑस्टिन इस दौरान राजनाथ और अजीत डोभाल के साथ आपसी सुरक्षा सहयोग चीन के अतवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दस दिए कि हाल ही में क्वाड देशों के मुखियों की बैठक हुई जिस में पीएम मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने चीन को इशारा में सख्त संदेश दिए सन। किसान अंदोलन के समर्थन में खेत्र के 8 नौजवानों ने डिप्टी कमिश्नर के माध्यम के नाल राष्ट्रपति को इच्छा मौत की मांग की है। सारे नौजवान शुक्रवार तो खेड़ी चौकड़ा से 31 मार्च तक शांतिपूर्वक धरना भी देंगे। कपड़ो वासी संजय गोयत आनंद जितेंद्र रवि मौजूदपुर वासी शमशेर राखी शाहपुर वासी विक्रम अजय माजरा वासी मोनू ने जिला डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर प्रियंका सोनी ने चिट्ठी लिख के मांग की कि पिछले काफ़ी दिनों तो किसान अपनी मांगों लैके ध्यान से बैठे हुए हैं पर सरकार का रवैया किसानों प्रति सही नहीं है। इन्हें नहीं किसानों को अतवादी भी कहा गया है जिस कारण वो सरकार का दुखी होकर इच्छा मौत की मांग कर रहे हैं। सारे नौजवानों ने डिप्टी कमिश्नर चिट्ठी सौंप के यह भी अल्टीमेट दिता कि जेकर 12 दिनों तो बाद भी चिट्ठी के माध्यम से कोई जवाब नहीं मिलिया तो इस विषय में जिला डिप्टी कमिश्नर की मंजूरी मनी जाएगी। सारे नौजवान शुक्रवार यानी अज तो खेड़ी चौकड़ा से शांतिपूर्वक धरना देंगे। अमरीका में साल 2020 दी राष्ट्रपति चोणों में रूसी राष्ट्रपति वलादिमीर पुतिन के इशारे से वोटर प्रभावित करने की कोशिशों कर रिपोर्टा से अंतरराष्ट्रीय सियासत गरमा गई है।
समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि पुतिन को चुनाव में दखलअंदाजी करने का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बाइडन के इस बयान के नाल बवाल मच गया और रूस ने बुधवार को अमरीका में अपने राजदूत को मास्को में बुला लिया। बाइडन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि तुम देखना कि अगे की होंगे, जो उन्होंने किया है उसकी उन्होंने कीमत चुकानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने वीरवार को इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से पंजाब में नवी बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि वह निश्चित तौर पर चाहते हैं कि ईवीएम नहीं सगो बैलट पेपर राही चोण हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह ईवीएम्स का विरोध करने वाले व्यक्तियों एक रहे हैं क्योंकि इन्होंने छेड़छाड़ हो सकती है। बगैर उन्होंने एक समय चोन कमीशन के सामने ईवीएम में गड़बड़ी का संभावना का सबूत भी दिता। इस दौरान उन्होंने 15 मिनट के दौरान ईवीएम राही पाई गई सारिया वोटा कांग्रेस के खाते दिखा के अपनी गल साबित की। उन्होंने कहा कि कारण है कि इलैक्ट्रॉनिक एडवांस देशों ईवीएम राही चोणा नहीं होंदिया। अलास्का बैठक तो पहले अमरीका ने वड्डी कार्रवाई करते हुए चीन के हांगकांग के 24 अधिकारियों पर पाबंदी लगा दी है। अमरीका ने यह पाबंदी अजे समय लगाई जदों इस हफ्ते अलास्का में अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चीन के चोटी के डिप्लोमैट के नाल बैठक कर जा रहे हैं। अमरीका का यह कदम बीजिंग वालों हांगकांग लगातार की जा रही कार्रवाई को लेकर देखा जा सकता है। फरवरी महीने में महंगे पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमतों तो दुखी होकर लोगों को मार्च तक हुण तक राहत मिली हुई है। मार्च में शुरू हुए तीन हफ्ते हो गए हैं पर अज तक तेल कीमतों में कोई भी तब्दीली नहीं की गई। शुक्रवार को लगातार 20वें दिन तेल कीमतों में कोई भी तब्दीली नहीं की गई, इस लोगों को कुछ राहत मिली है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड मुताबिक नवी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल कीमतें कई दिनों तो क्रमवार 91.17 पैसे रुपए और 81.47 रुपए प्रति लीटर से स्थिर ने। इसी तरह मुंबई में भी पेट्रोल की कीमत 97.57 रुपए प्रति लीटर है जबकि डीजल की कीमत 88.60 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की परचून कीमत 91.35 रुपए और डीजल की कीमत 84.35 रुपए प्रति लीटर है। इस ही चेन्नई के भी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 93.11 रुपए और डीजल की कीमत 86.45 रुपए से स्थिर रही है। कोरोना के बढ़ रहे प्रभाव को रोकने लिए भावें सरकार लोगों को जागरूक करने के समय समय यत्न कर रही है। इस तो बाद पुलिस ने भी अपना सख्त रुख अपना शुरू कर दिया है। इस तरह फगवाड़ा शहर की पुलिस के ASI भारत भूषण की अगुवाई में शुगर मिल चौंक में नाकाबंदी दौरान मशहूर पंजाबी गायक मास्टर सलीम का मास्क न पाते चालान कटा गया। ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਬੁਝਦੜੀ ਨਾ ਵਿਖਾਓ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ।